जी क्लास टू का पार्ट टू है जी इसमें हम सीखेंगे मैच टूल लाशो टूल और टैक्स टूल को कंप्लीट सीखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमने लिप्स टूल को चूज कर लिया और कलर हमने येलो ले लिया और ये एक बनाया फ्री हैंड एक सर्कल सा बेजा टाइप ठीक है अब यहाँ पर हम ड्रेग सिलेक्शन टूल इसको चूज करेंगे ए इसका शॉर्ट की है और राइट right साइड पे जो एंकर पॉइंट आ रहा है इसको क्लिक करेंगे और इसका जो नीचे वाला हैंडल है इसको अंदर की तरफ थोड़ा मूव करके शेप को यूं कर देंगे अब ये करने के बाद अगेन यहां पे जाएंगे इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देंगे ठीक है क्लिक किया ये हमारे पास मैच टूल है यू इसकी शॉर्ट की है इसको प्रेस कर लिया ये प्रेस करने के बाद हम इसके सेंटर पॉइंट पे चले गए सेंटर पॉइंट पर जैसे ही क्लिक किया तो ये एक आ, जो आपकी शेप है ये चार हिस्सों में तक सीम हो गई ठीक है ये चार हिस्सों में आपकी ये इसकी डिवीजन हो गई अब हम क्या करेंगे ये इसके सेंटर में क्लिक करेंगे ये वाले पार्ट के सेंटर में और फिर इधर वाला जो राइट right साइड का पार्ट है इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे लाइक like दिस। फिर सेंटर वाली जो लाइन जा रही है ये वाली इसका हाफ करेंगे यहां से और इधर से ये हाफ करेंगे ये हमने बाउंड्री सी बनानी है वो किस तरह से बनेगी हमारे पास ये लासो टूल है फोर्थ नंबर पे क्यू इसकी शॉर्ट की है इसको प्रेस जैसे ही हम करेंगे यहां से हम शुरू कर लेते हैं सिर्फ इसके जो एजेस हैं वो वाला एरिया हम सेलेक्ट करना चाहते हैं यह माउस मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और जैसे ही मैं इसके पास आऊंगा मैंने इसके साथ टच नहीं करना बल्कि आउट हो जाना है इधर से बाहर से और यूं बाहर जाते 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 मैंने दोबारा अंदर आकर अब ये एरिया अटैच कर देना है जहां से शुरू किया था तो इसने क्या किया बाहर वाले सारे पॉइंट जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए अब क्या होगा मेरे पास यहाँ पर ये कलर पैलेट आता है इसको प्रेस करूंगा और इधर से मैं कलर चूज कर लेता हूँ लाइक दिस ठीक है और ये ब्लैक एरो इसको सिलेक्ट करता हूं और कहीं साइड पे क्लिक कर देता हूं तो यूं चीजों को हम बना के उसको कॉर्नर्स को एजेस को ये इफेक्ट दे सकते हैं उसके यूं शेडो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अब हम अगर ए का बटन प्रेस करते हैं यानी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और कहीं भी क्लिक करते हैं जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल ये ये वाला पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक कलर एड करना चाहते हैं ये वाइट एरिया यहां से Uh, ये एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस यहाँ इसका एक पार्ट हम लेना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल यू का बटन प्रेस किया और यहां पर आकर हम एक कलर ऐड करते हैं लाइक like, ये एरिया तो आप देखेंगे थोड़ा और अच्छा लगेगा इसी भी शेडो को काम ज्यादा करने के लिए ये पार्ट जो हमारे पास ड्रैग सिलेक्शन टूल है इसको क्लिक किया और शेडो ज्यादा रखना है कम रखना है इसका जो ग्रेडियंट आ रहा है वो आप चेक कर सकते हैं ठीक है ये देखें ये ले, ये चीज होगी अब हम चलते हैं टेक्स टूल की तरफ रिकॉर्डिंग में इसको रिपीट करके दोबारा देखिएगा किस तरह से किया मैंने मैस्टूल इसकी मजीद अभी और भी प्रैक्टिस आपको मैं करवाऊंगा और ये जो मैंने अभी बनाया ये असाइनमेंट के तौर पर आप जमा कराएंगे और आपको ये जमा कराने के लिए मैं डेडलाइन थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी यानी जो सेशन फोर आएगा वो है फ्राइडे को ठीक है तो सेशन फोर फ्राइडे को है फ्राइडे से पहले पहले अपनी ये जितनी भी असाइनमेंट्स हम कल और आज वाली और कल जो मिलेंगी ये तीन दिनों में जितना काम मिलेगा आप नेक्स्ट फाइव डेज फोर डेज के अंदर उसको कंप्लीट करके तो मुझे फ्राइडे से पहले पहले आप सबमिट करवा देंगे अच्छा अब हम इसी आर्टबोर्ड के ऊपर टेक्स्ट टूल के साथ काम करेंगे ये पाथ वगैरह सारा कुछ बंद कर देता हूँ इंपॉर्टेंट टूल टेक्स्ट टूल और टेक्स्ट टूल uh, के ऊपर जितनी आपकी ग्रिप होगी बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए बहुत ज्यादा फॉर्ड्स uh, इसके अंदर आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं चीजों को डिजाइन करने के लिए टाइपोग्राफी के लिए और अभी हम इसको शुरू करते हैं यहां पर हमारे पास ये टी का जो बटन है इसको जैसे मैं प्रेस करता हूं तो आप देखें इसके अंदर ये कुछ आ, हमारे पास टूल्स आ रहे हैं फर्दर उसकी टाइप्स है अब ये पहला टूल है टाइप टूल इसको क्लिक किया जैसे ही मैंने क्लिक किया और ये एक मेरा जो माउस है इसके साथ एक राइटिंग साइन आ रहा है इंसर्शन पॉइंट टाइप जहां पे मैं क्लिक करूंगा वहां से ये लिखना शुरू कर देगा और ये बहुत छोटा सा लिख रहा है कोई बात नहीं लिखने दें आपने क्या करना है इसको सेलेक्ट कर लो और यहां से ये इसकी करेक्टर्स वगैरह सारी जितनी भी है करेक्टरिस्टिक वो ओपन हो गई है फीचर टेक्स्ट की फोन साइज इंक्रीज कर दें ठीक है यहां पे सेवेंटी टू है इधर आप अगर लिखते हैं टू हंड्रेड एंटर ये टू हंड्रेड तक चला गया ये आप लिखते हैं फाइव हंड्रेड एंटर फाइव हंड्रेड तक चला गया अभी मैं इसको करता हूँ थर्टी सिक्स एंटर ठीक है अब शॉर्ट की की मदद से हम इसको एनलार्ज uh, करेंगे आपने कंट्रोल का बटन दबाना है पहले सेलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के रखा शिफ्ट दबा के रखा ग्रेटर देन का साइन इसको प्रेस करके रखा शिफ्ट कंट्रोल दबाने के बाद जैसे ही ग्रेटर देन प्रेस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो आपका फॉन्ट ग्रो होता जाएगा अगर आप लेस देन का बटन प्रेस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो ये श्रिंक होता जा रहा है ठीक है तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ग्रेटर देन और ये वाली शॉर्ट की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप लगा सकते हैं ठीक है जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला है और इधर जाकर अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ कंट्रोल ए से ये सिलेक्ट करता हूँ सारा इसको कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साथ मैं इंक्रीज कर सकता हूँ और ये भी यहाँ पे शोर्ट की खैर आपके लिए स्वेटर की क्लास है वापिस इधर अब हम क्या करने लगे हैं जी इसको क्लिक करके जैसे ही मैं अपने सिलेक्शन टूल की तरफ जाता हूँ वी जिसकी शोर्ट की है इसको क्लिक करूंगा तो इसके ये एंकर पॉइंट से आ जाते हैं यू ये एंकर पॉइंट आ जाते हैं सर ठीक है अब हम अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ इसको एडिट करने के लिए इधर मैं लिखता हूँ मोसिन अब मैं स्केप का बटन प्रेस कर रहा हूं जो कीबोर्ड पे लेफ्ट टॉप के ऊपर है बिल्कुल कोने पे e, S, लिखा हुआ है वो बटन प्रेस करूंगा तो ये एंकर पॉइंट आ जाएंगे तो जिस तरह किसी भी शेप को बड़ा छोटा करते हैं उसी तरह से अगर मैं बिल्कुल ही एक कोने को प्रेस करके फ्री हैंड यू इसको बड़ा कर रहा हूं तो ये खराब हो रहा है ठीक है अब अगर मैं इसको एक्यूरेट मूव करना चाह रहा हूं ठीक है एक्यूरेट मूव करना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे शिफ्ट को प्रेस करना पड़ेगा ठीक है शिफ्ट को मुझे प्रेस करना पड़ेगा जैसे ही मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूं तो उसके साथ क्या होगा ये कोने को पकड़ के यूं ये देखिए जूम इन हो रहा है और जूम आउट हो रहा है ठीक है अगर शिफ्ट बटन नहीं प्रेस करता तो मेरा फोन यूं खराब हो जाएगा ये शिफ्ट बटन प्रेस कर लूंगा तो बिल्कुल accurate. अच्छा, अगर मैं शिफ्ट के साथ ओल्ट दबाता हूँ तो क्या होता है दो चीजें हैं अगर शिफ्ट के बड़ा छोटा करोगे तो जिस एंकर पॉइंट से आप सिलेक्ट करके बड़ा छोटा कर रहे हैं वो मूव कर रहा है साथ साथ ठीक है उसी डायरेक्शन में जा रहा है यूं अगर शिफ्ट ओल्ट दोनों को प्रेस करके आप प्रेस करेंगे एक कॉर्नर के साथ तो ये सेंटर से यूं बड़ा छोटा होगा ठीक है अगर ओल्ट छोड़ देते हैं तो फिर यू जाएगा ओके okay? बाकी उसी तरीके के साथ इसका भी आप डुप्लीकेट लेके कंट्रोल डी के साथ फर्दर कॉपीज आपने ले ली जैसे क्लिक किया ओल्ट दबाया आया डुप्लीकेट लिया कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी डुप्लीकेट ठीक है डबल क्लिक करो एडिटिंग कर लो इसको सिलेक्ट किया नीचे वाले को एडिटिंग सेलेक्ट किया नीचे वाले को एडिटिंग तो ये तो था टेक्स्ट अब हम देखेंगे इसको क्लिक किया ये फ़ॉन्ट है जी डिफरेंट इसके अंदर सारे ये फ़ॉन्ट आ रहे हैं ये देखें कोई सा भी आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें इट्स अप टू यू के कौन सा फ़ॉन्ट आपने यूज करना है अच्छा अब फ़ॉन्ट आपके पास कम होंगे फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करने के लिए आप स्किल्स अप अकेडमी की वेबसाइट पर चले जाएं। इधर आप लिखें स्किलजप अकेडमी डॉट पी के जैसे ही वेबसाइट खुलेगी हमारे पास एक टैब है सॉफ्टवेयर का इसमें आप चले जाएंगे यहां पर मैंने लास्ट पे थ्री थाउजेंड फोन की कलेक्शन रखी है इसको क्लिक करो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये दूसरे नंबर में एक फोल्डर है ऑल इसके अंदर कुछ ये पड़े हैं ये ये प्री स्कूल के हैं और ये आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ये ए फोर ए भी है ए फोर ए वो आजाद चाय वाले ने अपने थामनेल्स पे लगाए होते हैं ये मैं लगा के दिखाता हूँ ए फोर ए और इस तरह से उन्होंने अपने जितने भी थामनेल हैं वो डिजाइन किए होते हैं जैसे ये मैंने एक डब्बा बनाया और इसको थोड़ा नीचे रखा ये ऊपर ले आता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ उनके ये राइटिंग स्टाइल चल रहा होता है ठीक है अच्छा जी तो अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका तो फोन आपने इंस्टॉल कैसे करना है फॉर एग्जाम्पल आपको यहां से फोन नहीं लेने अगर आप ले लेंगे तो मेहरबानी आपकी आप लोगों के लिए रखे हैं इसको डाउनलोड करना पड़ेगा ये कोई डेढ़ जी की फाइल है राइट क्लिक करके ना ये लास्ट पे बटन है डाउनलोड download. इसको डाउनलोडिंग पे आप लगा देंगे जैसे ये देखें डाउनलोडिंग पे मैंने लगा दिया तो ये जिप फाइल आपके पास आना शुरू होगी इसको आपने इंस्टॉल डाउनलोड पहले कर लेना टाइम लगेगा काफी डाउनलोड होने पे, ठीक है वैसे आपने फ़ॉन्ट लेने हैं तो फ़ॉन्ट के लिए मैं एक आ, दो तीन वेबसाइट्स हैं बल्कि चार वेबसाइट्स हैं टॉप पे वो आपको बताऊंगा अभी वन थाउजेंड वन के नाम से एक वेबसाइट है आप इसको खोलें ये एक हजार एक डॉट कॉम इस पे जाए और वन क्लिक के ऊपर आप फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली जैसे ये डिफरेंट फॉन्ट्स आ रहे हैं ये देखें ठीक है आपको जिस तरह का भी फॉन्ट चाहिए आप लिखें आप यहाँ पे लिखें स्टाइलिश फॉन्ट स्टाइलिश फॉन्ट्स एंटर करें जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह के फॉन्ट्स आना शुरू हो जाएंगे ठीक है जैसे ये सिग्नेचर फॉन्ट आ रहा है ठीक है ये स्टाइलिश फॉन्ट्स आ गया अब ये है जी मैजिकल स्टाइलिश स्क्रिप्ट डेमो रेगुलर इसका नाम है ये डाउनलोड का बटन है इसको क्लिक करो जैसे क्लिक करोगे तो ये साथ ही फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी इसको ओपन करो ये फोल्डर खोलो ये जो ए के नाम से फाइल बनी हुई है ना ये देखो ए ये फोन है आपका डबल क्लिक करो और ये इंस्टॉल और प्रिंट का ऑप्शन है इंस्टॉल पे क्लिक कर दो ये एक सेकंड के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा हो गया लिस्टेटर में चला गया पूरे कंप्यूटर में जहां मर्जी यूज कर सकते हो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट फोटोशॉप वोटोशॉपेटर जहां पे भी लगाना है इसको अब इसका नाम क्या है यहाँ पे ये है मैजिकल स्क्रिप्ट डेम्बो ये याद कर लो बंद करो इसको अब आप चले जाओ लिस्टेटर पे इसको एक दफा क्लिक करो जो लिखा हुआ है स्टाइलिश टी एस टी वाई एल ये आ गया जिस स्टाइलिश मैज स्टाइलिश मैजिकल स्टाइलिश स्क्रिप्ट क्लिक करो ये वैसा लिखा गया और खूबसूरत करना है टाइप में जाओ टाइप में जाके चेंज केस करो इसका चेंज केस इसका कर दो लोअर केस ठीक है ये अच्छा सा आपके सामने आ गया ठीक है एम को कैपिटल करो यू सेलेक्ट करके शिफ्ट एम ओके जी तो इस तरह आप स्टाइलिश फॉन्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं ओके डन हो गया जी इसको मैंने कर दिया डिलीट अब हम अच्छा जी अमजद साहब पूछ रहे हैं अमजद अली जमाली साहब के आ, वेबसाइट नहीं आ रही एक साहब कह रहे हैं यजदान अली के आवाज नहीं आ रही रहील आप इन्हें मैसेज कर दें आवाज कैसे इनको आएगी अच्छा भी दूसरे नंबर पे या कोई भी बता दे एफ अलेवन आई थिंक शॉर्ट किया इसकी तो 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 आवाज भी जरा कट कट के आ रही है आपकी मुझे भी बाकी भी बता दें भी आवाज सही आ रही है मेरी जी सर सही आ रही है बिल्कुल जी सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है इनको सही नहीं आ रही वो अपना नेट चेंज करें या एक, नेट को रिफ्रेश करें ओके अब यहाँ पर उर्दू फॉन्ट आपने डाउनलोड करने हैं तो इधर जाओ गूगल पे लिखो उर्दू फॉन्ट्स फ्री डाउनलोड उर्दू फॉन्ट्स फ्री डाउनलोड एंटर करो ये सर आ, सर आ उर्दू फोन डॉट नेट उर्दू फोन डॉट नेट ये पहले नंबर पे साइट आएगी इधर एक वर्ड लिखा है, प्यार, है। ये डिफरेंट स्टाइल है जी ठीक है सी आल करें इसको क्लोज कर दो ऐड को यहां से बेशुमार उर्दू के स्टाइल हैं फोन हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली जैसे मैंने इस वाले फॉन्ट में लिखना है या ये वाला फोन मुझे चाहिए या ये वाला फोन चाहिए तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा सेम वही तरीका अगर आप चाहते हो कि मेरा जो टेक्स्ट है मैं अपना नाम इस स्टाइल में लिखना चाहता हूँ यहाँ पे एक दफा उर्दू में चले जाओ लिखो मोहसिन अली और ये उसने लिख के दिखाया आप कहते हो कि हाँ हाँ ठीक है ओके डन हो गया अच्छा तो इसको कर लो डाउनलोड हो जा भाई आदिल 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 नाम है जी इसका ये ले जी डाउनलोड हो गया क्लिक करो जी डबल क्लिक करो इसको खोलो इंस्टॉल पे जाओ ये पहले मेरे पास है जी तो इसलिए ओके इसमें फटाफट मैं आपको पहले ये बता दूं कि उर्दू किस तरह से आप लिख सकते हैं इसके अंदर ठीक है तो उर्दू लिखने के लिए ना यहाँ पे आपकी जो विंडो है विंडो के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें यानी अपने कंप्यूटर में Uh, उर्दू पाकिस्तान तो ये शॉर्ट की होता है ओल्ड शिफ्ट करेंगे इंग्लिश इंग्लिश आ जाएगी यहाँ पे ओल्ड शिफ्ट करेंगे उर्दू आ जाएगी ओल्ड शिफ्ट करेंगे ओल्ड शिफ्ट ओल्ड शिफ्ट ओल्ड शिफ्ट उर्दू इंग्लिश ठीक है ठीक का बटन क्लिक करें और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोहसिन अली इधर मैं लिखता हूँ जी आज हम डिजाइनिंग सीख रहे हैं तो उर्दू कम्पोजिंग की भी एक छोटी सी क्लास इसी के अंदर रख लेंगे दस पंद्रह मिनट में आपको सिखा दूंगा किस तरह से उर्दू टाइपिंग करते हैं तो आई होप आ जाएगी क्योंकि मुझे दस साल हो गए हैं सिखाते हुए इतना टाइम लगता है पंद्रह बीस मिनट में आप सीख लेंगे उर्दू टाइपिंग करना इसको क्लिक किया जी यहाँ पे आदिल के नाम से फोन है दोबारा इंग्लिश में चले जाओ क्योंकि यहाँ पे तो इंग्लिश लिखनी है ए ए डी आई एल एंटर ये उस फोन में लिखा गया ठीक है तो अब उर्दू ये कैसे आता है यहाँ पे ये कैसे आएगा उसके लिए आप जाए गूगल पे इधर आप लिखें पाक उर्दू इंस्टॉलर एंटर और पहला लिंक ये एम प्लॉल इसको क्लिक करो जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी अगर इस तरह से वेबसाइट आती है डोंट वरी थोड़ा नीचे आओ ये लिखा है डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर एक्सी इसको क्लिक करो तेरा एम की फाइल है ये 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 की है सॉरी इसको क्लिक करो ब्लू बटन और ये क्लोज कर दो ये आपके पास उर्दू का जो इंस्टॉलर है सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड होना शुरू हो रहा है ठीक है अब ये जैसे ही डाउनलोड होता है मैं व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना है ना वहीं पे सेंड कर देता हूँ तो आप उधर से अपने वेब व्हाट्सएप करके लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो नहीं तो यूं तरीका बता दिए जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो लैपटॉप रिस्टार्ट हो, होने के बाद लैपटॉप आपका रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे ये आएगा उर्दू का ऑप्शन ठीक है जब ये आ जाए तरीका इसका इंस्टॉल करने का बहुत आसान है बहुत ही आसान है ये आपके सामने अभी मैं बताता हूँ इसको आ, ये फाइल जी डाउनलोड ऑलमोस्ट हो गई है आ, ये लें जी ये डाउनलोड होगी इसको मैंने ओपन किया जैसे मैंने ओपन किया तो ये आया एक ऑप्शन इसको मैंने किया येस यस yes करने के बाद ये रन होना शुरू हो गया सॉफ्टवेयर इस तरह से नेक्स्ट किया नेक्स्ट ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया ठीक है छोटा सा सॉफ्टवेयर है फौरन से ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आपने अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करना है रिस्टार्ट करने के बाद जैसे ये पूछ रहा है कि अभी करना है कि बाद में मैं कहता हूं बाद में करना यार ठीक है बाद में फिनिश मेरा तो पहले इंस्टॉल था अब स्टेटर में सेटिंग है इसकी कुछ तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसका एक लेक्चर भी पड़ा हुआ है कि उर्दू किस तरह से लिखते हैं आप यहाँ पे जाएंगे इधर आप लिखेंगे स्किल्स आप अकेडमी तो ये यूट्यूब चैनल हमारा वीडियो में आप चले जाए ये खुला बल्कि मैं आपको इधर ही बताता हूं ये टाइप सबसे पहले एडिट में जाएंगे एडिट में जाने के बाद ये है प्रेफरेंस प्रेफरेंस के अंदर ऑप्शन है यहां पर टाइप का ठीक है यहां पे सेकंड ऑप्शन एडिट प्रेफरेंस प्रेफरेंस में जाके टाइप टाइप पे क्लिक करेंगे ये शो इंडिक ऑप्शन है इसको आपने ऑन कर देना है ऐसे बंद होगा ये ऑन कर दिया ओके कर दिया फिर विंडो में जाना है विंडो में जाके ये टाइप आ रहा है जिनका नहीं आ रहा होगा यहाँ से थोड़ा सा नीचे करो यूं टाइप आएगा टाइप के अंदर है जी यहाँ पर पैराग्राफ पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करो ये एक बार आएगी यूं ठीक है तो पैराग्राफ को यूं साइड पे कर लो ये छोटा सा एक बटन है इसको क्लिक करो इधर लिखा है मिडल ईस्ट एंड साउथ एशियन सिंगल लाइन कंपोजर इसको कर लो ऑन क्लिक और सब कुछ बंद कर दो अब आप जैसे ही टी का बटन प्रेस करेंगे और कीबोर्ड शिफ्ट किया की आपने उर्दू में लिखना शुरू करेंगे तो इजीली आपसे लिखना लिखा जाएगा आसानी के साथ ठीक है ओके ये हो गया हमारे पास फोन किस तरह इंस्टॉल करने हैं किस तरह से डाउनलोड करने हैं पाक उर्द इंस्टॉलर किस तरह से इंस्टॉल करना है लिस्टेटर में उसकी सेटिंग किस तरह करनी है मैश टूल क्या होता है और पाथ फाइंडर टूल क्या होता है अब टेक्स टूल को हमने आज खत्म करना है एरिया एरिया टाइप टाइप टूल टूल क्या होता है है कब काम आता है? आपने कोई मैगजीन बनाना है कोई बुक बनानी है काफी ज्यादा टेक्सट लिखना है कोई पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं ठीक है तो उसके लिए ये टूल यूज करते हैं अगर आप नेट से कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कायदे आजम ठीक है कायदे आजम के ऊपर मैं कुछ आ, लिखना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले आ, इनको मैं सर्च करूंगा ये इंफॉर्मेशन मैं उठाता हूं इतनी कंट्रोल सी किया और कंट्रोल सी करने के बाद एक बॉक्स बनाता हूं मैं यहां पे ये यह बॉक्स बनाया और एक बल्कि एक सर्कल बनाता हूं ये एक सर्कल बनाया अब मैं एरिया टाइप टूल पर जाता हूँ एक क्लिक कर देता हूँ यहां पे जैसे क्लिक करके कंट्रोल वी करूंगा वो सारा टेक्स्ट इसके अंदर आ गया कंट्रोल ए कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट हो गया कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट हो गया कंट्रोल शिफ्ट लेस हो रहा है और इसके अंदर एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा ये देखें ग्रेटर देन के साथ बड़ा हो रहा है अब अगर मैं अपना साइड कहीं क्लिक करता हूँ वो सर्कल गायब लेकिन टेक्स्ट उसके अंदर ही रहेगा, अगर शिफ्ट दबा के कोने से बड़ा करता हूँ इसको तो ऑटोमेटिकली ये देखें जैसे जैसे सर्कल जिस शेप में जा रहा है टेक्स्ट की अपनी शेप खराब नहीं होगी वो ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट करेगा अपने आप को ठीक है डबल क्लिक करके आप इसको बड़ा छोटा यूं कर सकते हैं ठीक है इसी तरह से किसी भी शेप के अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं जो भी शेप है स्टार है तो आप यूं स्टार बनाए उसके अंदर ये एरिया टाइप टूल पे क्लिक करें और यूं कंट्रोल वी करके टेक्स्ट को इसके अंदर ला सकते हैं ठीक हो गया ओके आ, पिक्चर किस तरह से यहाँ पे लानी है वो भी इसमें मैं बता देता हूँ आप नेट पे जाएं कायद कायदेजम लिखा इमेजेस पे जाएं किसी एक तस्वीर को पहले खोल लें खोला राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन है सेव इमेज एज और कॉपी इमेज अभी कॉपी इमेज को क्लिक कर रहा हूँ लिस्टेटर पे जाके मैं करता हूँ कंट्रोल वी कंट्रोल वी किया तो ये आप देखें यहाँ पे पिक्चर आ गई और शिफ्ट दबा के कोने से इसको मैं बड़ा छोटा कर रहा हूँ शिफ्ट नहीं दबाऊंगा कोने से यूं तस्वीर को मैं खराब कर दूंगा इसको स्केल प्रोपोर्शनल कहते हैं हम रूल ऑफ डिजाइनिंग भी पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी चीजें आपको डिटेल से बताऊंगा ये डिलीट कर दिया मैंने कंट्रोल वी से तस्वीर यहाँ पे आ गई थी ओके नेक्स्ट टूल हमारे पास है टाइप ऑन पाथ टाइप ऑन पाथ क्या होता है यहाँ पे आप चले जाए अगर लिप्स के ऊपर सर्कल लिया इसको मैंने टाइप टाइपना पास किया और इसके बाहर जाके ये जो पॉइंट है इधर क्लिक कर दिया अब मैं जो भी लिखूंगा वो इसी पाथ के ऊपर यूं लिखता जा रहा है ये आप देख रहे हैं ठीक है अब आप एक चीज देखें अगर मैं करता हूं कंट्रोल ए और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साथ ये साइज इसका देखें इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ठीक है इधर मैं लिखता हूं मोहसिन अली फाउंडेशन कंट्रोल ए यूं बैजेस आपको बनाने पड़ते हैं लोगो आपको बनाने पड़ते हैं तो लिखना पड़ जाता है इधर मैं लिख देता हूं जी आ, एरियल एरियल बोर्ड ये लिख दिया मैंने ठीक है जैसे मैंने साइड पे कहीं क्लिक किया दोबारा इस पे आता हूं तो एक हैंडल से आ रहा है बाहर की तरफ ठीक है अब ये हैंडल से क्या हो रहा है हैंडल इसको मूव करवाएगा यू अंदर की तरफ अगर मैं क्लिक करता हूं तो टेक्स्ट को अंदर की तरफ ले जाएगा जैसे ही मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ तो इधर आ गया क्लिक किया इस हैंडल के साथ यू ये प्ले अराउंड कर सकता हूँ मैं ओके जी आ, ये काम भी हो गया टाइप होना पाथ अब पाथ आपका कोई भी हो सकता है पेन तो अभी मैं नहीं करा रहा लेकिन थोड़ा सा एक पाथ आपके सामने मैं बना के दिखाता हूँ टाइप होना बात यहां पे क्लिक किया ये देखें उस लाइन के ऊपर ऊपर जाना शुरू हो गया अच्छा भैया पेन टूल जब करेंगे तो इस टूल की आ, और मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा एक दो लोगों भी बना के दिखाऊंगा इससे वर्टिकल टाइप टूल पे क्लिक करेंगे आप तो वर्टिकल टाइप टूल से क्या होता है एक क्लिक करो यू लिखना शुरू हो जाएगा ठीक है दूसरे नंबर पे वर्टिकल अः वर्टिकल एरिया टाइप टूल तो जो एरिया टाइप टूल का काम था वही इसी का काम है इसी तरह वर्टिकल टाइप टूल होना पाथ जो टाइप होना पाथ था वो वर्टिकल टाइप होना पाथ है जैसे आपने वर्टिकल वे में काम करना है एंड पे आता है आपके पास टच टाइप टूल अब टच टाइप टूल को यूज करने के लिए आपको पहले कुछ टाइप करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे मैं नाम लिखता हूं अपना इधर मैंने लिखा मोहसिन अब ये मैं लिख इसको तो थोड़ा सा करता हूं एनलार्ज इसको बड़ा कर लिया अब जैसे ही मैंने टाइप किया इसको क्लिक करूंगा और इधर जाकर यहां पर ऑप्शन आता है टच टाइप टूल जैसे ही इसको क्लिक किया अब मैंने एच का बटन दबाया या एस का बटन दबाया सिर्फ इसने एस को सेलेक्ट किया और ये ऊपर एक सेंटर पॉइंट दिया इसने रोटेशन का ये देखें टेक्स्ट को ये मूव कर रहा है इजीली बाकी टेक्स्ट ऑटोमेटिकली उसके साथ आगे जाएगा यू ये बटन ये देखें अब हो, होगा क्या अगर टाइप टूल में मैं जाके एस की जगह भी मैं करता हूं जेड तो उसी स्टाइल में लिख, लिखेगा इसको पी इधर जाता हूं इसको पकड़ता हूं वाई तो ये हमारा टाइप टोल खत्म हो गया ठीक है जी आ, क्लास भी हमारी खत्म हो गई है इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी ग्रुप में आप प्रैक्टिस करें भरपूर प्रैक्टिस करें कोई भी मसला हो तो ग्रुप के जो एडम हैं उनका सर खाएं उनसे पूछें और और क्वेश्चन है तो पूछ लो मेरे से सर ये उर्दू का कीबोर्ड कैसे नजर आएगा नजर कैसे आएगा हाँ जी देखना हो यानी किस के, की पे कौन सा बटन है आह ओके इधर जाओ गूगल पे लिखो उर्दू कीबोर्ड ये लो कोई भी निकाल ले यहाँ से ग्रुप में भेज देता हूँ ये लो कॉपी ग्राफिक प्रो ये ले ठीक है सॉफ्टवेयर भी भेज देता हूँ अभी जो डाउनलोड किया मैंने वो भी भेज देते हैं आपको ये ले और जी क्वेश्चन कोई ये जो आपकी वेबसाइट पे फॉर्म्स हैं ये और किसी ऐप के लिए यूज हो सकते हैं या स्पेसिफिकली इलस्ट्रेटर uh, के लिए नो दिस इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर इलस्ट्रेटर यू कैन यूज इट एनी ओके सर थैंक यू जी और भी क्वेश्चन सर टेक्स्ट टूल की असाइनमेंट्स कोई वो सब, वो सब शेयर कर दें मैं करूंगा आपको अभी तक जितनी बन, 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 है वो कर लें पहले मुझे पता वो भी नहीं होनी बल्कि मेरे सामने एक, एक ना तस्वीर तो लगी है वो भेज देता हूँ आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो ये ले। ये मैं ग्रुप में भेज रहा हूं ओके जी अल्लाह सर